आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में टीके गार्डन बड़ा बाईपास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए इसको अंजाम दिया गया और लोगों को इस बात का पैगाम दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी की दुश्मन नहीं है, पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी रोशनी खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम सहित तमाम लोग मौजूद रहे और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देखने को। आज टीके गार्डन में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से एक ईद मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें भारी तादाद में हिंदू और मुस्लिम भाई इकट्ठा हुए और एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। पार्टी के कौन कौन लोग शामिल हुए? पार्टी के आज माननीय संतोष गंगवार जी, वीरू गंगवार जी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा श्री बासित अली साहब जी और उनके साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री परवेज मियां साहब और उनके साथ में क्षेत्रीय अध्यक्ष रूपरीत जी, ये सभी लोग इकट्ठा हुए और सबने मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? मैं अपनी ओर से यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ईद का त्यौहार हुआ है, इतनी सुख और शांति के साथ हुआ है, आज पूरे देश में इसकी चर्चा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी देशवासी, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहें, शांति बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और सपोर्ट करें। ईद मिलन समारोह में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान सांसद संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली है, इसी को लेकर आज पार्टी काम कर रही है। पार्टी बिना भेदभाव के काम करती है, जिसका परिणाम हमारी सरकार की तमाम तरह की योजनाओं में देखने को मिलता है। उन्होंने सभी को ईद की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। ध्यान है कि MLC का चुनाव जब हो रहा था तो हमने इसी स्थान पर एक बड़ी मीटिंग की थी महाराज सिंह के चुनाव के प्रचार के लिए। तो हमने सभी साथियों से कहा था, आप सब लोग अच्छे बहुमत से पार्टी को जिताएं और हम परिणाम के बाद आपको धन्यवाद देने भी आएंगे। आज अच्छा दिन है, अभी ईद समाप्त हुई है, तो हमने तसव्वुर भाई को कहा कि भाई आज आपने जो पहली मीटिंग भी इन्होंने की थी और आज की मीटिंग भी इन्होंने की है कि सभी साथियों को बुलाएं, हम धन्यवाद भी दें। हम और महाराज सिंह दोनों मिलकर रहेंगे और कैसे हम और अच्छे ढंग से प्रदेश और देश की चिंता करके इसको और तरक्की की दिशा में ले जाने का काम कर सकें। आज उसी के संदर्भ में हम लोग एकत्रित आए हैं और हम लंबे अरसे से हमारा वास्ता है इनसे। तो सर, क्या माना जाए कि मुस्लिम लोग भी अब BJP की तरफ जगह ना, हमारी हमें सोच के साथ ही काम कर रहे हैं और हम इतने चुनाव जीते हैं, हम मानते हैं कि हमारे लिए मुस्लिम वोट अच्छी संख्या में साथ देता है और हमारे साथ रहता है। 2024 में भी उम्मीद करते हैं। हमारा ये विश्वास है कि हम बरेली का विश्वास पूर्वक कह सकते हैं, बरेली में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी संख्या में मुस्लिम मत मिलेंगे। कार्यक्रम में नव निर्वाचित MLC कुंवर महाराज सिंह ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि MLC बनाने में सभी धर्मों का वोट मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी MLC चुनाव में जीते हैं। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन वीरेंद्र गंगवार उर्फ बीरू, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि हमेशा ताली दो हाथों से बजती है, थोड़ा आप बढ़ो थोड़ा पार्टी बढ़ेगी, इसी से ही देश की अन्य पार्टियां खत्म हो जाएंगी जिन्होंने केवल मुसलमानों का दुरुपयोग किया है। वर्तमान सरकार में मुसलमानों को हमेशा योजनाओं का बराबर में से हिस्सेदारी मिली है। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर वासित अली ने कहा कि मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश में मुसलमान इस बार 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजमल जैदी, क्षेत्रीय अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह, जिला अध्यक्ष परवेज मियां ने सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए संचालन को संभाला। कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक हाजी तसब्बर खान, नईम खान, मगन जैदी, वरिष्ठ समाज सेवी रोशनी खान, मोहम्मद आसिम, नबी रजा सलमानी, याकूब जैदी, बाबू शेख, अथर खान, साहिल खान, फैजान खान, आशु वेग,
सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।